गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा सुधोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा सुधोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, ना कि एक सन्यासी के। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया, दुख की अनुभूति तक न होने दी। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाते हैं। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक सफ़ेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा और तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास आ दौड़कर धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह मेरा हंस है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं इस समय पर इसका इलाज नहीं करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम ज़बरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज सुधोधन के पास ही जाकर होगा। दोनों भाई राज दरबार में गए। वहाँ उन्होंने अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज सुधोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज सुधोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ सहलाने लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।